संजू बाहर की पुताई ना पूरी हो गई है यार। वैसे काफी चकाचक लग रहा है। अबे चकाचक क्यों नहीं लगेगा, इतनी मेहनत जो की है। वैसे मेरा काम भी थोड़ा सा ही बचा है। तू एक काम कर, ये बाल्टी बाल्टी ले जाके धो के पानी बाहर फेंक दे, वो लोग कल आने वाले हैं। ठीक है। यार आज का तो काम हो गया पूरा। ये क्या बदतमीजी है, कहीं भी कुछ भी फेंकोगे क्या? कौन है? कौन है यहाँ पर? कौन है यहाँ? ऐसा बर्ताव करते हो तुम आर्मी के जवानों के साथ? अरे कौन है बाबे? मैं पूछता हूँ कौन है बाबे? कौन है? वरुण, 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 हमें छोड़ दो, जाने दो। अब तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। हमें छोड़ दो, तुम्हारा क्या बिगाड़ा? कहाँ ना चुप रहो। आइए मम्मी। हाँ बेटा। वाओ, दिस प्लेस इज सो प्रिटी। मैं बाबा को वही बोल रहा था, लेकिन बाबा एक के सुनते नहीं है। बाबा, दिस इज इट। वेरी नाइस। कितनी शांति है यहाँ। एग्जैक्टली। कम ऑन किड्स, आ जाओ आ जाओ, घर देखते हैं। चलो चलो। यस, आ जा बेटा। चलो चलो चलो, संभाल के। अरे पीछे सामान है। चलो 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 चलो। कैसा लग रहा है मुस्कान? वाओ। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। घर अच्छा है ना दादी? बहुत अच्छा है। अरे रुको मुस्कान, मैं भी आ रहा हूँ। अच्छा है ना जी? ऐसा सोचा नहीं था, ये तो बहुत सुंदर है। अरे अरे संभाल के बेटा, जरा देख के। हाँ दादी। अनुज, मजा आ गया। तुमने यहाँ की जितनी तारीफ की थी ना, कम थी। ये तो कुछ नहीं है, आगे आगे देखो होता है क्या। अरे वाह, अरे यहाँ पीछे तो बहुत अच्छा नजारा है। अरे वाह, क्या बात है, ये तो बहुत सुंदर है। देखा ना, मैंने कहा था ना, खूबसूरत है। वाओ। ये जैकेट। अनुज, अनुज भैया, ये जैकेट, ये यहाँ कैसे? यहाँ कोई पहले से रहता है? अरे हाँ, अब याद आया, ये पेंटर लोग आए थे ना, उन्हीं में से किसी का होगा यार, भूल गए होंगे। अरे तो क्या प्रॉब्लम है, वो आएंगे अपना ले जाएंगे। हाँ, चलो 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 चलो, चलो यार चलो। और तुम तो कह रही थी बड़ी बोर होगी। तो मुझे क्या पता था कि तुम सच में अच्छी जगह ले आओगे।
भाई तुम्हारा हस्बैंड है स्पेशल बेटा है और उतना ही स्पेशल है ये गेस्ट हाउस, क्योंकि ये नॉर्मल गेस्ट हाउस नहीं है, यहाँ बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड भी है। अच्छा, एक और चीज तुम लोगों को बता दूं मैं, यहाँ पर खाना बनाने वाला कोई नहीं है, लेकिन कंपनी वालों ने अपनी तरफ से किचन में सारा सामान स्टॉक कर दिया है। अरे अनुज, खाने की चिंता क्यों कर रहा है बेटा, मैं और अदिति है ना मिलके बना लेंगे। छुट्टियों के लिए ये जगह है बहुत अच्छी। बहुत अच्छी जगह है आराम करने के लिए। अच्छा, और वैसे भी तुम घर पे करते ही क्या हो? अनुज, यहाँ के पेंटर्स ने ना बहुत चालू काम किया हुआ है। ये देखो, अनुज, ये निशान कैसे? ये ना रेड पेन के छींटे लग रहे, नथिंग सीरियस। क्या हुआ भाभी? हाँ, ये तो खून जैसा लग रहा है। लो, फिर शुरू हो गई है। कल्याणी जी, कल्याणी जी, आपको हर चीज में कुछ ना कुछ बुरा क्यों नजर आता है? ये ना मेरे कंपनी का गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझी? भैया मैं तो बस बोल रही हूँ, कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता है। वैसे बच्चे कहाँ हैं? हाँ, दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे पापा, दोनों कोई ना कोई गेम निकाल के बैठ गए होंगे। अच्छा अच्छा। मुस्कान, उदय, आजा बेटा। हाँ मम्मी, आ रहा हूँ। देखो यहाँ रख दीजिए। भूख नहीं लगी तुम्हें उदय? हाँ मम्मी, भूख तो लगी है। अरे तो बोलना चाहिए था ना बेटा। अच्छा सुनो, जल्दी से मुस्कान को बुला के लाओ, बहुत देर से उसने भी कुछ नहीं खाया, भूखी होगी। मुझे नहीं पता मुस्कान किधर है। क्या बोल रहे हो उदय, तुम दोनों साथ में ही तो ऊपर गए थे। नहीं मम्मी, मुस्कान ऊपर तो नहीं है। हो सकता है बाहर गई होगी, मैं बाहर देख कर आती हूँ। मैं भी यहाँ देखती हूँ। चलो मुस्कान, ऊपर देख लेता हूँ। मुस्कान बेटा, मुस्कान बेटा, मुस्कान कहाँ हो? मुस्कान बेटा, मुस्कान, मुस्कान बेटा, मुस्कान, 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 मुस्कान बेटा, मुस्कान। अनुज, मम्मी जी, मैं उसको कहीं नहीं ढूंढ पाई, पूरे घर में उसको छान मार रहा हूं, कहीं नहीं। अदिति, तुम टेंशन मत लो, वो यहीं कहीं होगी। लेकिन कहां होगी? हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना अंदर जाकर दोबारा देखते हैं। लेकिन मैंने देख लिया है। तुम चलो, मैं हूं ना, चलो चलो मां, चलो चलो मां। मुस्कान, मुस्कान की आवाज है ना? मुस्कान, 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 सोना, मुस्कान, हमारा सोना। ये देखो, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू आंटी। और ये भी तुम्हारे लिए। आंटी और गुदगुदी मत करो। हम खेलेंगे, हम बहुत खेलेंगे, ठीक है? मुस्कान, अरे मुस्कान बेटा, मुस्कान, उठो मुस्कान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूरे घर में तुमको ढूंढ रहे थे। मुस्कान बेटा, ऐसे अनजान जगह पे किसी को बताए बिना नहीं आते हैं ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो अकेली? मैं अकेली थोड़ी, मैं तो आंटी के साथ हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है बेटा। आंटी बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे ये भी दिया। मुस्कान बेटा, कितनी बार तुमको समझाए, किसी स्ट्रेंजर से ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए।
पर वो स्ट्रेंजर थोड़ी हैं, वो तो हमारे साथ हमारे इसी घर में रहती हैं। मुस्कान, मम्मी ठीक कह रही है बेटा, उतारो उतारो ये सब। किसने दिया तुम्हें? ऐसे किसी से कुछ भी ले लोगी क्या तुम? कौन आंटी होगी बेटा, कहाँ से आई होगी अंदर वो? हाँ खामखा टेंशन मत लो, आ गई होगी पीछे की गेट से पता पूछते पूछते। चलो मुस्कान, अभी मुझसे प्रॉमिस करो, मुझसे बिना पूछे तुम कहीं नहीं जाओगे, समझे? ऐसे परेशान करते हैं क्या सबको? हाँ देखो सब कितने परेशान हो। दरवाजा तो बंद है, फिर ये औरत अंदर कैसे आई? ये क्या कर रखा है तुमने? कितने गंदे कपड़े कर लिए मुस्कान। तने ये सिक्योरिटी गार्ड भी कहाँ रह गया? अब तक तो आ जाना चाहिए था ना इसे। आइए आइए आइए। जियो, ये कौन है? ये विक्रम है, कंपनी ने इसे भेजा। इस बंगले की सिक्योरिटी अब इसकी जिम्मेदारी है। अच्छा, इसके होते हुए अब इस बंगले में कोई नहीं घुसेगा। अनुज, वो औरत कहाँ गई जो जो मुस्कान से बात कर रही थी? आदिति आदिति, तुम खामखा टेंशन ले रही हो। अब इतने दिनों तक इस बंगले में कोई नहीं रहा, हो सकता है कि कोई घुस गया होगा, इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? अब विक्रम है ना, इसकी जिम्मेदारी अब विक्रम की है। क्यों विक्रम? हाँ सर, आप निश्चिंत हो जाइए, मैं सब कुछ देख लूंगा। चलो भाई, अब हम लोग कहीं बाहर घूमने चलते हैं, खाना भी वहीं खा लेंगे। यस 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 यस, उसी के लिए तो आए। चलो चलो बच्चों, चलो 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 चलते हैं। चलो 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 चलो, लेट हो जाएंगे। चलो चलो आओ माँ। हाँ आओ, कल्याणी पीछे चलो बेटा। चलो चलो अंदर जाओ, संभाल के। बाय बाय आंटी। बाय बाय एंग्री अंकल। बाय बाय हाउस। मुस्कान, तुम किसको बाय बाय बोल रही हो? वहां तो कोई भी नहीं है। वो एंग्री अंकल और आंटी पीछे की तरफ गए हैं। अरे मुस्कान, कुछ नहीं है, चलो 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 चलो, तुम चलो चलो, लेट हो रहे हम लोग। चलो आदिति, चलो चलो बाबा। चलो तुम जरा पीछे जाके चेक करो। हाँ ठीक है सर, आप जाइए। कौन हो तुम लोग और ये हवेली को क्यों घूम रहे हो? मैं बब्बन और ये हमारा इलाका है। ओए, तू यहाँ का कोई सरपंच है जो ये तेरा इलाका है? हैं? बड़ा आया इलाके वाला। चलो भागो, चलो जाओ यहाँ से, चलो आप। देखो यहाँ हमारे साहब रहने आए हैं फैमिली के साथ, चलो अब निकलो यहाँ से,
भागो, निकलो यहाँ से। चलो चलो मुस्कान, आजा बेटा। एक मिनट रुक जाओ। आंटी कहाँ है? हाँ, आंटी दिख नहीं रही हैं। मैं लगाता हूँ। हाँ हाँ साहब, क्या विक्रम, क्या समाचार है? हाँ मैंने देखा, कुछ भी नहीं है, नो प्रॉब्लम। चलो ये तो अच्छी बात है। ठीक है सर, जाओ तुम भी आराम करो। ओके। अदिति बेटा। जी मम्मी। बेटा ये मेरे कुछ गहने हैं, इसे अपने पास संभाल के रख लो ना। वो हमारे कमरे में अलमारी है पर वो बंद नहीं हो रही, उसकी चाबी नहीं है बेटा। कोई बात नहीं मम्मी, मैं इसको यहाँ रख लेती हूँ, इसमें लॉक भी है। थैंक यू बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। अरे हाँ, हम लोग एक काम करते हैं, तुम इस तरफ देखना, मैं इस तरफ देखता हूँ। ठीक है। कौन है यहाँ पर? अनुज। कौन है? क्या हुआ बेटा? हाँ हमारे कमरे में कोई घुस आया था। हा? कमरे में यहाँ? पर बेटा यहाँ तो कोई नहीं है। बाबा मैं बाहर देख कर आता हूँ। संभाल के बेटा। हाँ माँ। विक्रम, विक्रम कौन है यहाँ? हाँ, क्या हुआ साहब? विक्रम तुमने यहाँ पर किसी को देखा? यहाँ नहीं तो। विक्रम बंगले में चोर घुसा है। चोर घुसा है? कहाँ रहते हो तुम? बाबा। हाँ बेटा। बाबा बाहर तो कोई नहीं। और ये क्या, ये कल्याणी कहाँ है? कल्याणी। भैया मैं यहाँ हूँ। कल्याणी कहाँ थी तुम? भैया मैं तो सो रही थी, मैंने कदमों और पायल की आवाज सुनी तो ऊपर जाकर देखा, बाकी सब तो सो रहे थे, लेकिन मुस्कान ना एक खिड़की की तरफ देखी जा रही थी। अनुज, अनुज! आया अदिति। चलिए जी। हाँ चलो चलो। क्या हुआ अदिति? अरे क्या हुआ बेटा? मम्मी मैं जब कमरे में आई ना तो दरवाजा खुला हुआ था और ये ज्वेलरी उसके अंदर थी। मम्मा पापा, वो एंग्री अंकल मेरे रूम से भाग गए थे। क्या एंग्री अंकल? चलो बेटा बेटा मुझे दिखाओ कहाँ थे। चलो चलो। हाँ पापा चलो, चलो। आओ आओ चलो। यही है वो जगह जहाँ पे वो एंग्री अंकल आके चले गए थे। मुस्कान बेटा ये क्या कह रही हो? अदिति तुम बच्चों को लेकर माँ के साथ यहीं पर रहना, हम लोग नीचे जाकर देख कर आते।
हाँ चलो। ये बाबा ये तो बहुत सारे पैरों के निशान हैं। ये देखिए ये सीधा वो उस पेड़ तक जा रहे हैं। लेकिन यहाँ कोई दिख भी तो नहीं रहा है। बेटा अपना कुछ नुकसान तो हुआ नहीं है और फिर कोई दिखाई भी तो नहीं पड़ रहा है ना, तो क्या करें, चलो चलते हैं। ठीक है बाबा। कैसा सिपाही है तू जो एक पेड़ पे नहीं चढ़ सकता? ए, ए, कौन है तू, यहाँ कैसे? प्रधान। ए, 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 तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं। देखो देखो गोली मत चलाना। गोली मत चला। क्या 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 भाई क्या ये तमीज कहीं? उदय ये लो बेटा। ठीक है लाओ मैं देती हूँ। ये लो मुस्कान। नहीं मुझे आंटी के साथ नाश्ता करना है। मुस्कान मुस्कान बेटा मुस्कान सुनो मुस्कान। नहीं मुझे आंटी के साथ ही खाना खाना है। मुझे आंटी के साथ ही खाना है। मुस्कान सुनो तो सही। मैं सिर्फ आंटी के साथ ही खाऊंगी। मुस्कान मुस्कान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो गेट पर होना चाहिए ना। आप लोगों ने गोली चढ़ने की आवाजें नहीं सुनी क्या? गोली? कौन सी गोली? कमाल है यहाँ इतनी गोलियां चल गई और आपने आवाजें नहीं सुनी। विक्रम विक्रम तुम मेरे साथ चलो। आओ आओ यहाँ पर पता नहीं क्या क्या हो रहा है सर। विक्रम चलो चलो। नहीं नहीं मुझे आंटी के साथ ही रहना है और जब आप लोग नहीं होते तभी आंटी आती है। देखो मुस्कान बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। अभी मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो मेरे साथ चलो। नहीं मुझे आंटी के साथ ही खाना खाना है। चलो नहीं मुझे आंटी के साथ ही खाना खाना है। अनुज
हमें यहाँ और नहीं रहना, हमें यहाँ से जाना है बस। अनुज हमारी खुद की बेटी, मेरे हाथ से खाना खाने को तैयार ही नहीं है, किसी अजनबी औरत का इंतजार कर रही है वो। देखो आदिति, ये मैं भी जानता हूँ कि जब से हम लोग यहाँ पर आए कुछ अजीब सी चीजें हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना मिलकर मुस्कान से बात करते हैं, ठीक है ना? चलो आ जाओ, कम ऑन। मुस्कान बेटा, मुस्कान कहाँ गई? नहीं है, कहाँ गई है? भैया मैं आपको आंटी से मिलवा। चलो मुस्कान, आज ना मैं आपको ऐसा सबक सिखाऊंगी ना। अदिति मेरी बात सुनो, तुम उसे कुछ नहीं करोगी। अदिति मेरी बात सुनो, जब से यहाँ आया मेरे हाथ से बाहर निकल गई। अदिति बताती हूँ, अदिति देखो देखो, गुस्सा मत करना उस पर। बहुत हो गया आंटी आंटी का ड्रामा। अदिति मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अनुज बेटा जरा यहाँ आना प्लीज। उसको मारना मत। आया माँ? बोलो माँ। बेटा मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, जरा दबा देना। अभी दबा देता हूँ। या एक काम कर, कल्याणी को भेज दे, वो दबा देगी। बिल्कुल भेज देता हूँ। कल्याणी कल्याणी आ गई बेटा, जरा पैर दबा दे बेटा, बहुत दर्द हो रहे हैं। कल्याणी आराम से बेटा, तोड़ेगी क्या पैर, पहले ही दुख रहे हैं। कल्याणी नहीं, कल्याणी छोड़, कल्याणी कल्याणी छोड़। जिसे देखो मुझे देख के डर जाता है। कल्याणी क्या हुआ इसे, क्या हुआ? क्या हुआ कल्याण, रो क्यों रही हो? क्या हुआ भाभी? भाभी मैंने उसका साफ साफ चेहरा देखा था। किस भाभी? भाभी वो इंसान नहीं थी, वो इंसान नहीं थी, भूत थी भाभी। नहीं पापा, आंटी बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे ये एप्पल भी दिया। क्या बकवास कर रही हो, कोई आंटी वांटी नहीं है। पापा आंटी है, उन्होंने मुझे भी एप्पल दिया। बेटा दादू को दिखाओगे आंटी कहाँ मिलती है? तुम अपना ख्याल रखना और तुम लोग भी अपना ख्याल रखना, मैं अभी आया। चलो दादू, चलो, मैं चलो। बताती हूँ वो जगह कहाँ है। यहीं आती हो? अरे चलो तो सही, बताती हूँ। चल तो रहा हूँ भाई। चलो हाँ दिखाओ। आओ तो सही पहले। हाँ यही है वो जगह। यही आंटी मिलती है? हाँ यहाँ पे वो आंटी आती है और मैं उनके साथ बहुत मस्ती करती हूँ, वो मुझे झूला भी दिलाती है। कौन सी आंटी बेटा, कौन आंटी है, कहाँ है? यहाँ तो कोई नहीं है, तुमको झूला भी झूलाती है? हाँ। तुमको झूला अच्छा लगता है? हाँ बहुत अच्छा लगता है। मुझे कौन झूलाएगा? अरे दादू नीचे आ जाओ जल्दी से, दादू जल्दी से नीचे आ जाओ। क्यों बेटा? मुस्कान बेटा कुछ नहीं होता है। बाबा बाबा एक मिनट। अरे मत उस झूले पे। तो, ये तुम्हारे पापा बैठ गए। मत बैठो उस झूले पे। ये देखो माँ झूला हिल रहा है कि नहीं, देखो हिल रहा है। ठीक तो है, कुछ नहीं हो रहा है। देखो कुछ हो रहा है, इतने आराम से झूला झूल रहा हूँ मैं। इट्स सो सिंपल। कुछ हो रहा है देखो, कुछ क्या हो रहा है? बाबा 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 क्या हुआ अनु? बाबा बचाओ, बाबा मुझे बचाओ। बाबा बाबा क्या हुआ? बाबा इसे रोको, बाबा झूले हो रहा है। बाबा बाबा कुछ हो जाए। अनु विक्रम, विक्रम इस झूले को रोको। वॉचमैन विक्रम इस झूले को रोको। विक्रम विक्रम अरे जल्दी आओ। आया विक्रम मुझे बचा लो। अरे कोई है वॉचमैन, रोको इस झूले को। बाबा इस झूले को रोको बाबा। अरे क्या हो रहा है? बाबा रोको इसे, रोको रोक इसे। विक्रम विक्रम अरे रोको इसे विक्रम। बाबा इसे कोई अनुज और तेज कर। अनुज बाबा अनुज
बाबा मुझे कुछ हो जाएगा, बाबा बाबा मुझे बचा लो, बाबा बाबा मुझे बचा लो, बाबा बाबा आंटी बाबा मेरे पापा को बचा लो, रोको बाबा, बाबा ये और तेज हो रहा है बाबा, अरे विक्रम विक्रम इसे रोको आंटी, मेरे पापा को बचा लो बाबा, इसे रोको बाबा, बाबा इसे रोको बाबा, बाबा बाबा इसे रोको बाबा, ये और तेज होता जा रहा है बाबा, बाबा कुछ हो जाए बाबा, अनुज बाबा बेटा, बाबा हाँ बेटा, बाबा इस पेड़ में कुछ गड़बड़ है, हाँ बेटा जरूर कुछ गड़बड़ है, मुस्कान बेटा तू मेरे पास आओ, हाँ चलो 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 बाबा चलो 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 विक्रम विक्रम चलो सब चलो चलो चलो। अरे नहीं सर आप मेरी बात सुनिए तो सही, देखिए मैं बोलूं, देखिए कल सुबह हम लोग ये गेस्ट हाउस छोड़ के जा रहे हैं, नहीं नहीं देखिए गेस्ट हाउस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेस्ट हाउस के पीछे जो पेड़ है ना उसमें प्रॉब्लम है, हाँ जी उस पेड़ पे ना लोगों को फांसी दी जाती थी, लटकाया जाता था लोगों को, एग्जैक्टली थैंक यू। आप लोग इस पेड़ के इतिहास को जानना चाहते थे ना, कई साल पहले ये पेड़ फांसी पेड़ हुआ करता था, सरेआम लोगों को इसी पेड़ पे लटकाया जाता था, कुछ 25 साल पहले ये सब बंद हुआ, हम लोगों ने जितने लोगों को देखा ना वो सारे लोग इसी पेड़ पर लटका कर मारे गए, फांसी दी गई उनको। इस पेड़ पर सबसे पहले जिसे फांसी दी गई वो ब्रिटिश सेना में एक सिपाही था, ये रहा। प्रताप हाँ इस सिपाही को मैंने भी देखा था, जिन्हें अपने मस्कट से उस पर गोली चलाई थी, फिर कई सालों तक इस पेड़ पर किसी को लटकाया नहीं गया और फिर दो लोगों को फांसी दी गई, उसमें से एक चोर था बब्बन, बब्बन ने सिर्फ चोरी नहीं की थी, चोरी के बाद उसने हत्या भी की थी, बाद में वो पकड़ा गया और उसे फांसी दी गई। और ये आखिरी फांसी निर्मला, निर्मला बब्बन की पत्नी थी, वो बब्बन को बचाना चाहती थी, मुस्कान को जो दिखती है ना जिसे वो आंटी कहती है शायद ये निर्मला ही है। निर्मला अपने बच्चों के पास जाना चाहती थी, उनसे प्यार करना चाहती थी, लेकिन उन लोगों ने उसे जाने नहीं दिया, फांसी दे दी उसे। हम लोग कल सुबह यहां से निकल रहे हैं। कल सुबह मैं भी निकल जाऊंगा अपने घर सर, यहां क्या करूंगा भूत भूतनी के बीच में। देखिए आप कल सुबह अकेले मत निकला, आप हमारे साथ ही निकलना। ठीक है सर। बेटा रात बहुत हो गई है, सुबह निकलना भी है, जाओ आराम करो। जी चलो। अनुज मैं बच्चों को देख के आती हूँ। संभल कर जाना। अदिति अदिति अपने बच्चे कहाँ है? यही तो थे, अनुज यही से ही सो रहे थे। मुस्कान
मुस्कान मुस्कान उदय उदय नीचे आओ नीचे आओ नहीं मम्मी नहीं हम नहीं आए बहुत मजा आ रहा है यहां नीचे आओ मुस्कान बेटा नीचे आओ नीचे आओ उदय मुस्कान प्लीज नीचे आओ मुस्कान बेटा मैं आ रहा हूं मुस्कान बेटा उदय नीचे आओ नहीं 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 मम्मी मैं बहुत मजा आ रहा है इन बच्चों को कोई मुझसे छीन नहीं सकता ये बच्चे नहीं जाएंगे सिपाही ऐसे नहीं होते बहुत कमजोर हो तुम मुझे मम्मी के पास जाना है जल्दी आओ जल्दी आओ बेटा बैठो बैठो जल्दी करो चलो चलो स्टार्ट करो जल्दी 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 आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।